चमनम कृत्वा ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः हस्तो वृक्षालंसिकेशाय नमः ओम पुनन्तमाम देवजनाः पुनन्त मनसाधियः पुनन्त विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमाम हस्ते यक्षपुष्पाणिं गृहीत्वा राधा कृष्णं ध्यायेतो ओम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णाय नमः ध्यानं समर्पयामि पाद्यर्घाचमनीयं जलं निवेदयामि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु शुद्धोदकस्नानीयं जलं समर्पयामि नमः वस्त्रं समर्पयामि रक्तसूत्रं निवेदयामि नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसहजं पुरुस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमञ्जुशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दानुलेपनम् ओं त्वं गंधर्वाग्निस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विलवानिष्मादमुच्यत चंद्रम समर्पयामि नमः क्षिदानि समर्पयामि नमः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्माल्यां समर्पयामि बलपत्राणि निवेदयामि नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि नमः मनसा धूपं दीपं संदर्शयामि नमः हस्तो वृक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यायाशीतं दर्शकं शीष्णोर्द्यौः शममर्ततो पदभ्यां भूमिर्दिशः सोत्रार्थतः लोकानकल्पेन नैवेद्यं निवेदयामि कृताया पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः बालकृष्णाय नमः बांके विहारणे नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि नमः प्रार्थना ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुकुटावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णाय नमः वागी विहारणे नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि नमः अथ तुलसी पूजनम ओम तुलसी नमः वृंदायै नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि ओम तुलसी हेमे रूपत्वं रत्नरूपां जमन्यरे भवमोक्ष प्रजां तुभ्यां अर्चयामि हरिप्रियां तुलसी नमः वृंदायै नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि अथ व्यास पूजनम ओम व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण देवासिष्ठाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा व्यासाय नमः बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और भागवत भगवान की दिव्य आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात हम सभी लोग बड़े ही प्रेम से पूज्य व्यासी महाराज के पावन मुखारविंद से कथा को श्रवण करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम कदलीगर्भशम्भूतं गर्भोरं च प्रदीपदं हारार्दिकमहं कुर्वे भस्मे वरदो भवो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की पावन वेला में विराजमान सभी भागवत के रसिक श्रोता बंधु, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के कारण हम सभी भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं। मुख्य यजमान परम सम्माननीय श्री प्रताप नारायण मिश्र जी, उनके सुपुत्र पुत्र वधुआएं, उपस्थित सभी भक्त महानुभाव, बुजुर्ग महानुभाव, युवा भाई, माताएं बहने, मंचस्थ विराजमान सभी संगीताचार्य बंधुओं,
समस्त विद्युत वरेण्य भगवान की कथा को श्रवण करें, इससे पहले मनवाणी को पवित्र करें प्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा। इसके बाद में हम सभी भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम नाम लिया सब
से अवतारों की आप लोग भागवतांतर्गत कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान धराधाम पर आते हैं। भगवान श्री राम जी का जो अवतार है वह मर्यादा पूर्ण अवतार है। एक एक लीला में मर्यादा का बहुत ध्यान रखा गया है। और हमारे गोविंद का जो अवतार है, वृंदावन बिहारी लाल का जो अवतार है, ये लीला पूर्ण अवतार है। एक एक लीलाओं का इसमें विशेष विशेष ध्यान रखा गया है। कल आप लोग भगवान के जन्मोत्सव को मना रहे थे, सभी लोग क्या कह रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। किसी ने ये कहा कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया, किसी ने कहा है? नहीं कहा। तो आज वही बात सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, नंद बाबा के यहां पर कौन ने अवतार लिया है, किसने अवतार लिया है? नंदस्त्वात् मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंद के घर साक्षात आनंद ने ही अवतार लिया है। जाता लादो महामना, वेदक ब्राह्मणों को बुलवा करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। बाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा
वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, क्योंकि ब्रज के राजा है नंद बाबा। और जब से भगवान ने ब्रज मंडल में अवतार लिया है तब से ब्रज समृद्धशाली हो गया है। ब्रजा सर्व समृद्धिमान, तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाकर के नंद बाबा ने दान कर दिए। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रे समलंकृते, 2,00,000 गायों का दान नंद बाबा ने तुरंत कर दिया। गोदान बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके सवत्सा गऊ दान कर दिया। और आज संपूर्ण ब्रजमंडल में एक ही हल्ला है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 2 दिन पहले हलषष्ठी के दिन हमारे शेष नारायण भगवान ब्रज में गोकुल में पहुंच गए थे। आज दोनों लाला पालने में हैं, हजारों ब्रज गोपियाएं बधाइयां लेकर के आ रही हैं। नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किए, पितरों का पूजन किया। देखो पितृ पूजन का कितना बड़ा फल यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे घर के यदि पितृ देवता प्रसन्न हैं, तो हमारे घर की उन्नति हमेशा होती रहेगी। और यदि हमारे घर के पितृ देवता रुष्ट हैं, तो कितना ही धन कमा लेना, कितना ही पद प्रतिष्ठा कमा लेना, पर कोई ना कोई कमी जरूर बनी रहेगी। क्योंकि पितरों की कृपा से घर में सुख होता है, पितरों की कृपा से घर में शांति होती है, पितरों की कृपा से ही संतति की वृद्धि होती है, और पितरों की कृपा से ही वंश आगे बढ़ता है। इसलिए किसी भी देव कार्य में पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए, अपने पितरों को मनाना चाहिए। जितने देव पूजन की महिमा है, जितनी देव पूजन की आवश्यकता है, उतनी ही पितृ पूजन की आवश्यकता है। पितृदेवार्चनम तथा, हजारों ब्रज गोपियाएं, ब्रज मंडल की जो भी गोपियाएं हैं, सभी बड़े सुंदर ढंग से श्रृंगार करके सज धज करके और आज नंद महल की ओर जा रही हैं। मैया यशोदा को बधाई देने के लिए, नंद बाबा को बधाई देने के लिए। गोप्याः समृष्टि मणि कुंडल नेष्क कंठै, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन ब्रज गोपियों ने कितना बढ़िया श्रृंगार किया। गोप्याः समृष्टि मणि कुंडल निष्क कंठै चित्रांबरा पथिशिका च्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सवलया ब्रजति बिरेजुर व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। बढ़िया बढ़िया मणियाएं धारण करी, बढ़िया बढ़िया कुंडल पहने, 84-84 गज के लहंगा पहने, सबकी सब ब्रज गोपियाएं फूलों का गजरा बना करके अपनी चोटी में लगा करके नंद महल की ओर जा रही हैं। और आज संपूर्ण ब्रज मंडल में जितने भी ग्वाल सखा हैं, बधाई के रूप में कोई दूध ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई मक्खन ला रहा है, कोई मिश्री ला रहा है। दूध दही की कीच मची हुई है। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन ऐसा लग रहा है जैसे क्षीर सागर में भगवान श्रीमन नारायण शयन कर रहे हैं, दूध दही की कीच मची है। नंद बाबा के मन में इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, इन्होंने सब कुछ लुटा दिया। ब्रज के महानुभाव कहा करते हैं, नंद कछु इतनो दियो न बची बचिया सचिया न पिछोरी। इतना दान किया नंद बाबा ने,
और इधर रोहिणी नंद महोत्सव में शामिल नहीं हो रही, इनको दुख है। अपने पति देव जो कि कंस के कारागृह में बंद हैं वसुदेव जी, क्योंकि रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, नंद बाबा के यहां पर वह इसलिए रह रही है क्योंकि वसुदेव जी छोड़ करके आ गए थे। वसुदेव जी में और नंद बाबा ने बाबा में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी और मैत्रीता तो ऐसी होनी चाहिए। रोहिणी आज नंद महोत्सव में शामिल नहीं हुई, नंद बाबा को लगा कि रोहिणी उत्सव में शामिल नहीं है, इनको दुख है, मना करके लाना चाहिए। नंद बाबा गए, रोहिणी जी को प्रणाम किया, भाभी जी आपके बिना बधाई और आपके बिना उत्सव सब सुना है, इसलिए चलो। रोहिणी बड़े आनंद के साथ में आज नंद बाबा के कहने से बधाई में शामिल हुई है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, नंद गोपाभिनंदिता, नंद बाबा ने रोहिणी मैया को अभिनंदन करके प्रणाम करके और बड़े आनंद के साथ में उत्सव में शामिल कर लिया। बड़े आनंद के साथ में महोत्सव मन रहा है, अचानक नंद बाबा को इस बात का ध्यान आया कि हम प्रतिवर्ष कंस के यहां पर कर देने के लिए जाते थे, वो कर देने की तिथि निकल गई, कुछ ग्वाल सखाओं को साथ में लिया और नंद बाबा तो मथुरा चले गए कर देने के लिए कंस के यहां पर। और इधर कंस ने गोकुल में पूतना के लिए भेज दिया और पूतना भी सज धज करके और अपने स्तनों में हलाहल जहर लगा करके और आज गोकुल की ओर जा रही है, बधाई में सम्मिलित हो गई। आओ हम भी एक बधाई का आनंद लेंगे। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, 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 तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे
बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कंस ने भी पूतना को भेज दिया गोकुल की ओर। पूतना अपना रूप बदल करके और गोकुल में पहुंच गई। जिस स्थान से सखियाएं जा रही थी उन्हीं की भीड़ में शामिल हो गई। बहना तुम कहाँ जा रही हो? सुई सखियों ने बताया, अरे बहन तो को पतो ना है, नंद महल में यशोदा के यहाँ पर लाला ने जन्म लियो है, बधाइयां देने जा रहे हैं। चलो बहन हम भी चल रहे हैं। दो मिनट में दोस्ती हो गई, किसी ने पहचाना नहीं और सबकी सब ब्रज सखियाएं पूतना के समेत नंद महल में प्रवेश कर गए। समस्त ब्रज गोपियों को बधाई दी गई, अरे मैया बधाई हो। सब ब्रज गोपियों ने बधाई दी, पूतना ने भी बधाई देने का नाटक किया। एक बात तो बता, अब हो सकता है कोई नाते रिश्तेदारी में ममेरी फुपेरी चचेरी लगती होगी बहन, क्योंकि ब्रजमंडल बड़ा है। हाँ बहना पहचान लियो पहचान लियो। उतना कहने लगी, अच्छा बता या समय तेरो लाला कहाँ? यशोदा कहने लगी, महलों में अंदर चली जा, अब हाल पालने में ही पौड़ा है। तो पूतना अंदर पहुंची और भगवान ने देख लिया कि मौसी जी आ रही हैं। तो भगवान ने चुपचाप नेत्र बंद कर लिए और जब नेत्र बंद किए, इस पर हमारे संतों ने विद्वानों ने बहुत बहुत उत्प्रेक्षाएं की हैं, बहुत बहुत अर्थ निकाले हैं। आओ हम भी एक दो अर्थों को देखते हैं। भगवान ने पूतना के आते ही नेत्र बंद क्यों किए? विबुद्धताम बालक मारिका गृहम चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण, चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? मानो भगवान ये विचार करते हैं, पूतना माया का रूप लेकर के आई है और मैं हूं मायापति। मायापति के सामने माया एक मिनट में ही नष्ट हो जाएगी, माया गायब हो जाएगी, ये अपने असली रूप में आ जाएगी। जो भयंकर काला काला रूप इसका है, राक्षसी रूप, वो प्रकट हो जाएगा। हमारे ब्रज के जितने भी ग्वाल वाले हैं, ब्रज गोपियाँ हैं, सब बड़े प्रेम से बधाइयाँ गा रहे हैं, तो सब की सब बधाई बंद हो जाएगी। इससे अच्छा क्या है? बोले अपने नेत्र ही बंद कर दो। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद किए, अथवा इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किए क्योंकि दृष्टि उसी के ऊपर डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। जो दृष्टि का पात्र ना हो उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालना चाहिए, चाहे नेत्र बंद कर लो। अथवा भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद किए हैं क्योंकि राम अवतार में भी एक सुंदरी जी आई थी। भगवान का जिस समय राम अवतार पंचवटी में निवास, उस समय एक सुंदरी जी आई थी। बिचारी विदेश से आई थी, भारतीय परंपरा का इसको कोई ज्ञान नहीं था, कोई बोध नहीं था, बनावटी रूप लेकर के आई थी। पर इसको क्या पता कि भगवान के आगे बनावटी रूप नहीं चलता। यहां तो भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे आ जाओ मेरे सामने।
ये तो अवध की देवियाओं का भाव है कि भगवान के अवतार का समाचार सुना तो सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज श्रृंगार जैसी है वैसे जाकर के पहुंच गई भगवान के दर्शन कर। लेकिन सूपनखा लंका से आई थी, भारतीय संस्कृति का इसको बिल्कुल बोध नहीं था और इसने अपनी सौंदर्यता के आगे भगवान को फेल कर दिया। भगवान से क्या बोली, मन माना कछ तुम ही निहारी, तुमको देख करके कुछ मन माना, वैसे ज्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो पर मन माना कछ तुम ही निहारी। उस समय भगवान ने क्या किया, सीता चेतय कही प्रभु बाता, अयही कुआर मोर लघु भ्राता। सीता चेतय, सीता की ओर देख करके भगवान ने उसे इशारा कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई वासना यदि आक्रमण कर देती है तो हम वासना से बचने के लिए भक्ति की उपासना की ओर देखना चाहिए। सीता कौन है, बोले भक्ति है, और सूपनखा कौन है, बोले वासना। तो आज यदि इस प्रकार के जीवन में यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम भक्ति की ओर निहारें। तो भगवान ने विचार किया कि चलो राम अवतार में तो सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे, इसलिए हमने उसकी ओर देखा भी नहीं क्योंकि वह दृष्टि की पात्रा नहीं थी। इसलिए अब यहां तो ना लक्ष्मण जी हैं ना सीता जी हैं तो हम इसे देखें क्यों, इससे अच्छा है कि अपने नेत्र बंद कर लो। तो विबोधताम बालक मारिका गृहम चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण, अथवा भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद किए हैं क्योंकि भगवान के एक नेत्र में सूर्य लोक का वास है, दूसरे नेत्र में चंद्र लोक का वास है। भगवान के हाथों जो मरता है वह इन्हीं दोनों लोकों में जाता है, या तो सूर्य लोक में जाए या चंद्र लोक में जाए। मानो सूर्य लोक और चंद्र लोक के देवताओं ने नेत्र रूपे दरवाजे बंद कर लिए, कहा कि सरकार आप इसे मारोगे तो ये दोनों लोकों में से कहीं ना कहीं आएगी। अरे ये इतनी पापनी है, हम इसे अपने लोक में नहीं आने देंगे, इससे अच्छा है कि हम अपने नेत्र बंद कर लेते, दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसलिए भी मानो भगवान ने नेत्र बंद किए, अथवा इसलिए भी नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान को पता है कोई दूध ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई मक्खन ला रहा है, कोई मिश्री ला रहा है। हमारी मौसी जी को और कुछ नहीं मिला, जहर लेकर के आ गई। अरे जहर पीने की आदत तो हमारे भोले बाबा की है, तो मानो नेत्र बंद करके हृदय में भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं मेरे प्रभु। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद विषाद। अष्टम स्कंद समुद्र मंथन के समय भोले बाबा से जो प्रार्थना की गई वही का श्लोक है। मानो आज तद्वत भाव यही है कि भगवान भी आज हृदय में मेरे भूत भावन भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए ध्यान में तो नेत्र ही बंद होना चाहिए। और आज पूतना ने देखा कि कन्हैया सो रहा है, उठाया गोदी में लिटाया, अपना स्तन निकाला कन्हैया के मुख में दे दिया, और जैसे ही कन्हैया के मुख में पूतना ने अपना हलाहल जहर भरा स्तन दिया, सो भगवान ने सबसे पहले जहर को पिया।
गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत। भगवान बड़े जोर से पूतना को पकड़े हुए हैं, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत, बड़े जोर से पकड़े हुए हैं। सबसे पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, जहर और दुग्ध जब दोनों ही समाप्त हो गए तो प्राणये समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को पीने लगे। और जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो पूतना ने जोर से आवाज लगाई, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। सामुंचि मुंचालिमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली हिलाई और कहने लगे, मौसी जी ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा। पहली बात तो ये कि मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसे यदि एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है। पूतना अपने असली रूप में आ गई, बक्षस्थल में गोविंद को दबाए हुए महलों के बाहर ले गई, और महलों के बाहर ले जाकर के भगवान ने उसी समय क्या किया, पूतना का प्राणांत कर दिया, और इसका भयंकर देह धड़ाम से जाकर के महलों के बाहर गिरा। धड़ाम से आवाज हुई, भयंकर आवाज को सुनकर के जितनी भी ब्रजगोपियाए हैं, जितनी भी सखियाए हैं जो बड़े प्रेम से गा रही थी, उनका गाना बजाना बंद हो गया, और सबकी सब बाहर दौड़ करके आई तो देखा भयंकर राक्षसी मरी पड़ी हुई। भगवान पूतना के बक्षस्थल पर खेल रहे हैं। छह कोस के जितने भी वृक्ष हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, सब नष्ट हो गए। त्रिगप्युतिरंतरद्रुमान, दौड़ी दौड़ी पूतना के पास में मैया यशोदा और सभी ब्रज सखियां आईं, कन्हैया को उठाया, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज का टीका लगाया, और भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाने लगे। भगवान मुस्कुरा गए, मैया यशोदा को कुछ शांति हुई, अरे बुढ़ापे में तो लाला को मुख देख भी के ताई मिलियो है, और या समय नहीं जाने या राक्षसी कहां से आए गए। अरे नंद बाबा तो मथुरा गए हैं कंस को कर देने, कंस को कर दिया, बस वसुदेव जी से मिले हैं, और वसुदेव जी से मिलने के पश्चात आज नंद बाबा बड़े प्रेम से अपने ग्वाल सखाओं को लेकर के गोकुल की ओर आ रहे हैं, और गोकुल की ओर जैसे ही आए और गोकुल की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया है तो देखा तो भयंकर भीड़ लगी हुई है। नंद बाबा समझ गए भैया गोकुल के ऊपर कोई घटना घट गई। अरे भैया यह भीड़ काय बात की है, एक ग्वाला ने बताई। अरे बाबा गजब है गजब, बोले का भयो। अरे एक राक्षसी आई हमारे कन्हैया को लेकर के जा रही थी, देखो ये अपने आप मर गई। अरे पापी अपने पाप से ही मर जाता है, कोई किसी को नहीं मारता, पर बाबा एक बात तो बताओ क्या करें, पूतना का इतना बड़ा देह है। नंद बाबा कहवे लग गए, अरे भैया ग्वाल सखाओ एक काम करो, सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ, या पूतना के आसपास में जो वृक्ष टूटे हुए पड़े हैं इनको काटो और इसकी देह पर डाल दो और चारों ओर से आग लगा दो। ब्रजवासु ने वही किया, आसपास में टूटे हुए वृक्षों को काटा, पूतना की देह पर डाला और चारों ओर से आग लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन दैह मानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभा, पूतना का शरीर जब जलने लगा, ब्रज 84 कोस का जो वातावरण है वह सुगंधित हो गया, सुवासित हो गया,
ऐसे लगने लगा जैसे इत्र का छिड़काव किसी ने कर दिया हो। दैह मानस्य देहस्य भूमस्या गुर सौरभा, सुगंधित वातावरण हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव इसका नाम अच्छा नहीं है, इसका भोजन अच्छा नहीं है, इसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, क्योंकि नाम तो बहुत बुरा है। पूतना लोक बालग्नि, नाम क्या है? पूतना। इसके रहते कोई पूत रह जाएगा? बोलो, पूत ना लोक बालग्नि, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है। राक्षसी, राक्षस कुल में जिसने जन्म लिया। रुधिरासना, छोटे बच्चों को मार करके उनके खून को पीने वाली है। परजिघांसया पिहरए, तो भी भगवान ने इतने अवगुणों में से भी गुण खोज लिया पूतना के अंदर से। वो कौन सा गुण? बुरी भली कैसे ही सही, पर काम तो इसने मां के समान किया है। मातृधर्म का निर्वाह किया है। माताओं का धर्म होता है अपने बेटे को गोदी में लिटा करके स्तनपान कराने का, जो धर्म होता है वो माताओं का धर्म होता है। बुरी भली कैसे ही सही, पर इसने मां का फर्ज निभाया है। इसलिए भगवान ने इतनी दिव्य गति प्रदान करी, इतनी दिव्य गति प्रदान करी, जो रोहिणी और यशोदा को तो भगवान बाद में भेजते, पर पूतना को भगवान ने पहले भेज दिया। रामायण में गोस्वामी बाबा कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये भगवान का स्वभाव है। जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करते हैं, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक मद्भुतम्, श्रृणुया श्रद्धयात्मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करते हैं, उनका सर्वाधिक स्नेह भगवान के चरणों में होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बैठ जाओ, जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने हमारे कन्हैया को करवट बदलते देख लिया, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। अचानक मैया ने देख लियो कि कन्हैया ने करवट बदल लियो है। नाई को बुलायो, अरे भैया नाई लगाए दे दुहाई। काहे बात की? बोले करवट बदलवे को बुलौआ है। ब्रजगोपियों के पास जब बुलौआ पहुंचा, खबर पहुंची, तो सबकी सब ब्रजगोपियां सज धज करके आई। और उसी समय मैया यशोदा ने कहा, काम कियो, लाला को बढ़िया श्रृंगार करके पालने में पोड़ायो। कन्हैया की नींद लगी, बहुत पुरानी एक गाड़ी रखी हुई थी, उस गाड़ी के नीचे पालने को लटका दिया। और गाड़ी के नीचे पालने को जैसे लटकाया, सबकी सब ब्रज गोपियां बड़े भाव से गाने लगी। तब तक कंस ने एक राक्षस पहुंचा दिया जिसका नाम सक्तासुर।
गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया इसी ताक में कि गाड़ी को तोड़ूंगा और तोड़ करके इस कन्हैया के ऊपर डाल दूंगा, हमारे प्रभु का हमारे महाराज का काल समाप्त हो जाएगा। और आज सबकी सब ब्रज गोपियाएं बड़े भाव से गा रही हैं और कन्हैया को पलना झुला रही हैं। आओ हम भी अपने मन में कन्हैया को पालना झुलाएं। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे ना।
कि कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस सत्तासुर इसी ताक में बैठा हुआ था, मैं कब गाड़ी को तोड़ूं और हमारे महाराज के शत्रु के ऊपर डालूं। भगवान ने देख लिया, ओहो मामा जी बैठे हुए गाड़ी में, क्योंकि अचानक नींद खुल गई। छोटे छोटे बालक उस स्थान पर खेल रहे थे। सबसे पहले भगवान रोए। जब भगवान के रोने की आवाज को किसी ने नहीं सुना तो भगवान ने क्या किया, धीरे से अपना पैर लंबा किया, गाड़ी में लात मारी, गाड़ी के दो टुकड़ा हो गए और राक्षस का उसी समय कल्याण हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भयंकर आवाज हुई और इसके बाद में ब्रज गोपियां गा रही थी बड़े प्रेम से। सबका गाना बजाना हुआ बंद, सबके सब ब्रज गोपियां गाड़ी के पास में आई, देखा तो गाड़ी एक और टूटी पड़ी है, एक और राक्षस मरा पड़ा हुआ। मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई, हे भगवान ना आंधी आई ना तूफान आयो, पर यह गाड़ी कैसे टूट गई। छोटे छोटे बालक वहां पर खड़े थे, मैया से बोले अरे मैया हम बताएं। मैया बोली बताओ। अरे मैया या तेरे लाला ने लंबो पैर की और या गाड़ी में लात मार दई या गाड़ी के दो टुकड़ा है गए। मैया यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। ऊचुरप्य व्यसित मतीन, कहा कि इन छोटे छोटे बालकों की बात पर बाल मित्युति भासता, छोटे छोटे बालकों की बात पर मैया यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। पर चलो मैया को ये तो शांति हुई कि कम से कम राक्षस तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, राक्षस तो मर गया, हमारे कन्हैया का कुछ नहीं हुआ। हिंसस्व पापेन विहंस तक खलु, पापी अपने पाप से मर जाता है, कोई किसी को नहीं मारता। मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के आई, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज का टीका लगाया और इसके बाद में कन्हैया जब स्वस्थ हुए, मुस्कुराने लगे, तब मैया को शांति हुई। बाद में एक दिन कन्हैया ने तृणाव्रत का भी उद्धार किया। इसके बाद हमारे भोले बाबा एक दिन काशी से चल करके और गोकुल में आए कन्हैया का दर्शन करने। बड़े प्रेम से कन्हैया का दिव्य दर्शन हमारे भूत भावन भोले बाबा ने किया और वहीं पर नंदीश्वर महादेव के रूप में गोकुल में विराजमान है। देखो भोले बाबा के वैसे तो अनेक रूप हैं, पर ब्रज के जो चार स्थान प्रमुख हैं उनमें भोले बाबा आज भी अपने यथेष्ट रूप में निवास करते हैं। गोकुल में नंदीश्वर महादेव के रूप में नंद महल के अंदर, मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में और श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में और श्री गिरिराज जी में चकलेश्वर महादेव के रूप में आज भी हमारे भूत भावन भोले बाबा विराजमान। इसके बाद में एक दिन की बात, गर्गाचार्य जी नंद महल में पधारे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया। देखो इतने बड़े महापुरुष और आज नंद महल में आए हैं। नंद बाबा ने कितना स्वागत किया। अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए। हमसे वयोवृद्ध हो, हमसे श्रेष्ठ जन हो, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। हमारे युवा भाई भी कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग महानुभाव, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। और सम्मान और स्वागत का मतलब ये नहीं है कि आप माला लेकर के खड़े हो जाओ। अरे इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो अपने जीवन का अनुभव बताया है उसे सुनो, यही इनकी बात मानना ही इनका सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन गजब की बात तो ये है साहब, एक महापुरुष कहते हैं गिरती हुई दीवार के पास में कौन बैठना चाहता है। ये बुढ़ापा क्या है, ये बुढ़ापा गिरती हुई दीवार है, कौन बैठना पसंद करेगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, हमारे युवा भाइयों, जिस दिन हमारे घर में हमसे श्रेष्ठ जनों का, हमसे वयोवृद्ध का यदि सम्मान होने लग जाएगा, उस दिन का तुम्हारा घर कुछ दूसरे ही होगा। विचार करना,
रामचरितमानस के कुछ ऐसे प्रमुख चरित्र हैं जिनके ऊपर मुझे बड़ी श्रद्धा है। मैं निवेदन करूं, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, लेकिन विचार करना, राम जी मंत्री वर सुमंत का कितना सम्मान करते हैं। यद्यपि वह तो मंत्री हैं, मंत्री तो मंत्री, लेकिन नहीं, राम जी के हृदय में मंत्री सुमंत के लिए कितना बड़ा स्वागत है, कितना बड़ा सम्मान है। पिता के समान जितना पिता का सम्मान, उतने से भी कहीं बढ़कर के मंत्रीवर सुमंत का सम्मान। आप आदर कीन पिता समलेखा। राम सुमंत्र ही आबत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। आदर कीन पिता समलेखा, अपने पिताजी के समान उनका सम्मान किया, अपने पिताजी के समान उनका आदर किया। राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है, लेकिन 14 वर्ष के बाद राज तिलक भी तो हुआ है, अवध का राज्य भी तो राम जी को मिला है। अरे भले ही 14 वर्ष के लिए राम जी वन को चले गए, लौट करके यदि अवध का राज्य मिला है, अरे मूल में जो कुछ हो प्यारे, पर मूल में तो मैं यही समझता हूं कि मंत्री वर सुमंत का सम्मान का ये परिणाम है, ताकि राम जी को दोबारा राज्य की प्राप्ति हो गई। नहीं तो रामायण में एक पात्र और है जो वृद्ध का सम्मान नहीं करते, जो अपने से बै का सम्मान नहीं करते, एक पात्र और है रामायण, रावण। रावण वृद्ध का सम्मान नहीं करता। माल बंत अति जरठ निसाचर, रावण मात पिता मंत्री। कितने सयाने हैं माल्यवंत जी, माल्यवंत जी कितने सयाने हैं, कितने बुजुर्ग हैं बताओ। रावण मात पिता मंत्री वर, रावण के माता पिता के मंत्री रहे, कितने बुजुर्ग हैं, कितने सयाने हैं। और उन्हीं माल्यवंत जी ने रावण को समझाया, जिनसे तुमने बैर किया है उनको जानते हो कौन है वह, साक्षात जगत जगदीश्वर भगवान श्रीमन नारायण इस धराधाम पर लीला करने के लिए आए हैं, और उनसे तुमने बैर कर रखा है, उनकी भार्या का हरण किया है तुमने। यद्यपि उन्होंने नीति युक्त बात कही, समझाया रावण को, लेकिन रावण कहने लगा, ए मूर्ख तू क्या समझता है, बूढ़ भयउ नत मरतउ तो ही, तू बुढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे अभी इसी समय मैं तुरंत मार डालता, निकल यहां से। भरी सभा में कितना अपमान किया, एक बै का सम्मान नहीं किया, एक बुजुर्ग का सम्मान नहीं किया, एक सयाने का सम्मान नहीं किया। अरे भले ही तुम्हारे सोने की लंका ही क्यों ना हो, नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा प्यारे। रावण की सोने की लंका समाप्त हो गई प्यारे, कारण जो रहा हो, पर मैं तो ये कहता हूँ हमारे जीवन में यदि हमसे श्रेष्ठ जनों का सम्मान होगा, हमसे बुजुर्ग जनों का सम्मान होगा, तुम्हारे घर की सूरत भी बदल जाएगी और सीरत भी बदल जाएगी। इसलिए घर में बुजुर्गों का सम्मान, सयानों का सम्मान, बड़ों का सम्मान, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान, ये होना चाहिए। एक दूसरे की मर्यादा को पहचाने, हमारा क्या फर्ज है, बेटे का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, सास का कर्तव्य क्या है, और पिता का कर्तव्य क्या है। अपनी अपने यदि एक एक मर्यादा का ध्यान रखेंगे, किसके सामने कौन सी बात बोलना चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलना चाहिए, यदि इस बात का ध्यान रहा,
तो स्वर्ग कहीं और नहीं है प्यारे, तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा और यहाँ पर देवताओं का निवास हो जाएगा। जीते जी उनके लिए स्वर्ग है। आज गर्गाचार्य जी आए हैं, गर्गाचार्य जी का स्वागत नंद बाबा ने किया। गर्गा प्रोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी का स्वागत किया और आज नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कह दिया, गर्गाचार्य जी आपका पधारपण बहुत अच्छे समय हुआ है, इसलिए आप एक काम करो, हमारे दोनों छोरों के नामकरण संस्कार कर दो। आज तक इनके नामकरण संस्कार नहीं हुए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो भैया हम एकांत में नामकरण संस्कार करेंगे, बुलौआ चलौआ बिल्कुल नहीं होगा। और तुम्हारे घर की रीति परंपरा ये है, नेक सो कछु भी काम घर में भयो तो पूरे ब्रज 84 कोस में हल्ला हो जाता है, इसलिए नंद बाबा चुप्पई नामकरण संस्कार करवा लो। नंद बाबा ने गौशाला को लिपवाया पुतवाया, इसके बाद में महलों में खबर भेज दी मैया यशोदा और रोहिणी के पास में। मैया यशोदा और रोहिणी तैयार हो गई और हमारे दोनों लालाओं को लेकर के आज गर्गाचार्य जी के सामने आने। मैया यशोदा ने रोहिणी मैया से एक बात कही, बोली मैया एक बात सुन। रोहिणी बोली, बहना सुना, ये गर्गाचारी महात्मा का बड़ा नाम सुना है, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं और ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं है, बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं। आज एक काम करें, इनके ज्योतिष की परीक्षा ले लें। एक काम करो बहन, यशोदा मैया ने कही, एक काम करो रोहिणी मैया, तुम्हारो जो लाला है वो मुंह को दे दियो और मेरो लाला तुम ले लियो। ठीक है बहन, अदला बदली करी और पहुंच गए गर्गाचार्य जी के सामने। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए, ब्रह्मानंद की समाधि में डूब गए गर्गाचार्य जी, क्योंकि जिनका नाम रखने के लिए हम आए हैं तो यहां तो ज्ञान की परीक्षा हो रही है। ब्रह्मानंद की समाधि में डूब गए। थोड़ी देर बाद जब इनको ज्ञान हुआ, ओहो हम तो नामकरण संस्कार करने आए हैं पर हम अपना ही नाम भूल गए। और जैसे ही नेत्र खोले तो देखा तो रोहिणी और यशोदा दोनों ही पास में बैठी हैं। आज यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो विदु आख्यास्यते रामीति बलाधिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्र, मैया यशोदा की ओर इशारा करके क्या कहा, ए मैया ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन, रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है, योगियों के हृदय में जो रमण करने वाला है इनका नाम रखते हैं हम राम, और बल में अधिक होंगे इसलिए नाम, पूरा नाम क्या है, बोले बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया की ओर आंखों में इशारा किया, बहन मैंने कहा था ना ये नंबर एक का ज्योतिषी है, पहचान ले। अरे बहना तूने ठीक कही बात। मैया यशोदा कहवे लगे, बाबा एक बात बताओ, हमारे या काले कलूटे छोरा को कहा नाम रखोगे,
तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनका नाम हम क्या बताएं, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने पे कहती सुमति बोली कि हमको अनेकों नामन से कहा करना। अरे एक आध दो नाम बताए दो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया इनका नाम रखते हैं हम कृष्ण। कृष्ण का मतलब बोले कर्षयति भक्ता नाम मनः, भक्तों का मन जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उनका नाम है कृष्ण। अरे बाबा कोई दूसरों नाम बताए दो। मैया इनका एक नाम और बहुत अच्छा है। बोले हरि, इनका नाम हरि नाम भी बहुत अच्छा है। हरि शब्द को अर्थ कहा होवे, हरति जीवा नाम पापः, जो प्राणियों के पाप संताप का हरण कर ले उनका नाम है हरि। और मैया अब मत पूछ, ये जैसी जैसी लीला करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके चले गए। मैया ने अपने तरीके से दोनों छोरन के नाम रख लिए। मैया ने कृष्ण, हरि, दामोदर, ये कभी मैया ने हमारे प्रभु से नहीं कहा। उन्होंने दिया अपने बड़े प्रेम से एक छोटा सा और लाडला सा नाम रख लिया कन्हैया। और बलराम जी से कभी भी ना संकर्षण कहा ना बलराम कहा, दाऊ दाऊ भैया, दाऊ दादा, बस ये कहा करते थे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन कालेनो ब्रजताल पेनो गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंक मानो भी जगन्तु। कालांतर में दोनों बालक जब बड़े हुए, गुटुवन बल चल करके गौशाला में चले जाते हैं। बड़ी बड़ी गायें बैठी हैं, उनके सींग को पकड़ करके झूला झूलते हैं। हमारे कन्हैया तो एक दिन गौशाला में जाकर के गायों का जो गोबर है उसे उठा करके अपने शरीर में ही अंगराग लेपन करने लगे। मैया यशोदा दौड़ करके आई, पुनः वस्त्र बदले, स्नान कराया, पुनः श्रृंगार किया। और एक दिन कन्हैया को मैया यशोदा ने पालने में पौड़ाया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब हमारे प्रभु और बड़े हुए, छोटे छोटे ग्वाल सखाओं से मित्रता हो गई
और आज इन्होंने एक योजना बनाई है गोपियों के घर जाकर के माखन चोरी करने की योजना, दूध दही मक्खन की चोरी। ये दूध दही मक्खन की चोरी क्या है विचार करना, भगवान को क्या जरूरत थी? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पर दो इतनी गायें थी 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ पर। 9 लख धेनु नंद बाबा की नित नौ माखन होए, 9 लाख गायें थी नंद बाबा के। पर हमारे कन्हैया को माखन चोरी लीला, दूध दही मक्खन चुराने की क्या जरूरत थी? छोटे छोटे ग्वाल वालों का एक बढ़िया मंडल बनाया और आज प्रत्येक गोपी के घर जाकर के दूध दही मक्खन की चोरी करते हैं भगवान। देखो हमारे ब्रज के महापुरुष कहा करते हैं, ब्रज में रहने वाली जो ब्रज गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये साधन सिद्धा संत हैं, ये कृपा सिद्ध संत हैं, ये दंडकारण्य में विचरण करने वाले महापुरुष हैं। ये सब के सब ब्रज गोपी बनकर के ब्रज में आए हैं भगवान का दर्शन करने। गोपी किसी स्त्री विशेष का नाम नहीं है, वह पुरुष भी गोपी हो सकता है जो गोपी भाव में मेरे प्रभु को भजता है। चढ़े जब वृंदावन को रंग, और गोपी क्या है बोले गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव हुई भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। ब्रज में सब गोपी भाव में ही रहते हैं, इस बात का पता लग गया मीराबाई को। महलों से चल करके मीराबाई गोपी स्वरूप में संतों का दर्शन करने पहुंच गई और प्रत्येक संत का गोपी भाव में जो दर्शन किया निहाल हो गया। तो ब्रज में सब गोपी भाव में ही रहते हैं, ये साधन सिद्धा है, कृपा सिद्धा है, नित्य सिद्धा है, दंडकारण्य में विचरण करने वाले महापुरुष हैं। ये सब के सब आज गोपी बन करके ब्रज में आए हैं ताकि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए। गोभी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती सा गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रूपी रस का दिव्य रसास्वादन करे वही जीव गोपी है। हजारों ब्रज गोपियां कन्हैया की राह निहारती हैं, कब हमारे घर में आए और कब हमको दर्शन दे करके जाए। अच्छा एक भाव तो ये भी है और दूसरा भाव ये भी है, भगवान इसलिए माखन चोरी की लीला करते हैं क्योंकि ब्रज में गौ सेवा करते हैं हमारे ग्वाल वाल, दूध दही मक्खन बहुत होता है। ब्रज के गोपियां क्या करती हैं, मथुरा में जाती हैं दूध दही बेच करके आ जाती हैं। इस परंपरा को बंद करने के लिए भगवान ने घर घर में माखन चोरी की लीला की। सेवा करें हम और गोरस का दुरुपयोग हो मथुरा में, जितने भी कंस के पहलवान हैं सब दूध दही मक्खन खा पी करके खूब आपस में कुश्ती लड़ते हैं, इसलिए भगवान ने इस परंपरा को बंद करने के लिए माखन चोरी की लीला की। अच्छा एक भाव और है, जितनी जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियाएं हैं वो तो चाहती हैं मैया यशोदा के महलों में जाकर के कन्हैया का दर्शन कराती हैं, और जो बेचारी नई नवेली गोपियाएं हैं उनके ऊपर सासू माता की बड़ी कड़ी लगाम रहती है, घर से बेचारी निकलेंगी तो सोच समझ करके निकलेंगी, पर वो भी तो कोई ना कोई साधन सिद्धा कृपा सिद्धा संत ही तो है। और वही जो ब्रज गोपियां घर पर हैं वही हमारे कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया आप आओ, हम में इतना कहां पुरुषार्थ है कि हम पहुंच करके आपका दर्शन कर सकें, हमारे पास इतना साधन नहीं है, हमारे पास इतनी त्याग तपस्या नहीं है कि हम आपके पास चल करके और आपका दर्शन करके आवे। अरे आप ही चल करके यदि आओ तो हमको दर्शन हो सकता है आपका। तो
भगवान को जब याद आई और उनकी करुण पुकार को सुना तो भगवान को बहाना तो चाहिए। तो चलो इसी बहाने कम से कम भगवान दर्शन देने गए। और जिस दिन भगवान नहीं पहुंचते उस दिन हजारों गोपियां इकट्ठी होकर के एकत्रित होकर के मैया यशोदा के सामने शिकायत करने पहुंच जाती हैं। अच्छा, शिकायत करने क्यों जाती हैं? बोले शिकायत करने इसलिए जाती हैं क्योंकि जितनी देर शिकायत हम करेंगे उतनी देर गोविंद का दर्शन होता रहेगा। इसलिए ब्रज गोपियां शिकायत करने भी जाती हैं। एक दिन क्या हुआ, हमारे कन्हैया माखन चोरी लीला करने नहीं गए क्योंकि मैया यशोदा ने गणेश जी का व्रत कर रखा था और गणेश बाबा से मनोती मान रखती थी। हे गणेश बाबा, हमारो कन्हैया यह आदत छोड़ दे तो हम सवा मन लड्डू को भोग लगाएंगे। तो एक दिन कन्हैया ने ग्वाल सखाओं से यह बात कही, बोले भैया अब आज जो है माखन चोरी की लीला ना करेंगे। क्यों? इसलिए ना करेंगे, मैया यशोदा ने गणेश जी को व्रत की है और देखो भैया यदि हमारी वो आदत रही तो मैया की श्रद्धा कम हो जाएगी। लेकिन भगवान तो नहीं गए माखन चोरी करने के लिए। हजारों गोपियां राय निहारती रही। बहुत समय हो गया, भगवान तो आए नहीं। हजारों गोपियां एकत्रित होकर के आज मैया यशोदा के सामने महलों में चली गई। मैया यशोदा को आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा। मैया यशोदा ने देखी, अरे राम राम राम, ये सब की सब ब्रज गोपियां आ रही हैं। आज कोई बुलौआ है ना, आज कोई बधाई गीत गबना रहे हैं और या के बाद में ये सब की सब ब्रज गोपियां आ रही हैं। सुनाओ बहना कहा बात है। एक गोपी बोली, अरे मैया निकार तेरे छोरा को, कहां है तेरे छोरा? तब तक हमारे कन्हैया पालनी से उठ करके आंखें मलते भए और मैया के बगल में आकर के खड़े हो गए। और मैया की बगल में आकर के जैसे खड़े हुए एक गोपी कहवे लग गई, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा इस्तेयम् स्वापत्यथि दधिपया कल्पितैस्ते योगै मरकान भोक्षति बिभजति सचेन नाति भाण्डम् भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याद्युपक्रोश्यतो का। एक गोपी मैया से कहवे लगे, अरे मैया हम कोई चुगलखोर थोड़ी हैं जो काऊ के पीठ पाछे बात करें। हम तो खरी खरी मुंह पे सुनावे वाली हैं। मैया बोली, अरे बहना कहा बात है? तो एक गोपी बोली, बत्सान मुंचन क्वचिद समय, तुम्हारो कन्हैया बछड़न को खोल करके भाग जावे। मैया बोली, अच्छा गोपी, अरे तू गैया दोहवे जा रही होगी तो याने देख लियो होएगो, तो चलो याने सहायता ही तो करी। चलो गोपी गैया दोहवे जा रही है तो मैं बछड़े ही खोल दू। तो दूसरी गोपी बोली, अरे मैया क्वचिद असमय, वो दोहन का कोई समय ही नहीं है, इसके बाद भी ये बछड़ों को खोल करके भाग जाता है। क्रोश संजात हासा। मैया बोली, आपने शिकायत की कहा बात है? अरे तुम डांट दियो करो। दूसरी गोपी बोली, अरे मैया हम डांटें तो यो खिलखिला करके हंस भी लग जावे, तो हम को हंसी आ जावे। क्रोश संजात हासा इस्तेयम् स्वापत्यथि दधिपया कल्पितैस्ते योगै।
एक गोपी बोली, अरे मैया मेरे ऊपर भी बड़ी विचित्र बीती। कहा भयो, एक छीके के ऊपर मैंने मटकी टांग दी। छीको जानो? छीको कैसे बोले? बोलो ये नई नवेली बहुओं को कहा पता हो ये छीको कैसे कहवे? अरे बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब दली मंथन करती थी, बढ़िया मक्खन निकाल करके एक मटकी में रख करके और एक रस्सी का ऐसा वो जाल बनाते थे, उसको टांग देते थे ऊपर और उसी में वो मटकी को रख देते, उसको बोलते छीका। तो छीके पर बढ़िया मटकी रखी हुई थी। अरे मैया एक कन्हैया पहुंचे ग्वाल सखा को लेकर के, और सबके सब ग्वाल सखन ने कहा काम कियो, मैया मैं झूठ ना बोल रही, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े हो करके, और या कन्हैया ने मटकी को उतार लियो। मैंने बढ़िया बढ़िया ताजो ताजो मक्खन रख रखियो थो बाबू, अब या ने बढ़िया मक्खन खायो, ग्वाल सखन को खिलायो, और या के बाद में बच गयो मक्खन सो बंदरन को खिलाई दियो। अब मैया तू तो जाने बंदरन की आदत, जे कछु खावे तो सूंघ करके खावे, और या के लाने गुस्सा आई तो या ने गुस्सा में मेरी ददिया सास के जमाने की वो मटकिया फोड़ दी। मरकान भोक्षति बिभजति सचेन नाति भांडम भिनति, मटकी को फोड़ दिया। द्रव्यालाभे सग्रह गुपितो याद्युपक्रोश्य तोका। अच्छा देखो, सबकी सब शिकायत करती जा रही हैं, पर शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले इसलिए शिकायत कर रही हैं क्योंकि जितनी देर शिकायत होगी उतनी देर कम से कम कन्हैया का दर्शन तो होगा। और एक गोपी तो बड़े भाव से कहती है, ओ काना कहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दधी की मटकी। मत फोड़े दधी की मटकी, मत
परम सम्मानी परम आदरणीय श्री रवि किशोर त्रिवेदी जी जिला विकास अधिकारी बांदा हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत, व्यासपीठ से बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत मंगल कामना साधुवाद। साथ में श्री सुनील कुमार तिवारी जी प्रभारी निरीक्षक थाना निगोहा, अभय दीक्षित जी प्रधान निगोहा, श्री मुकेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्वतंत्र भारत लखनऊ हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार सभी महानुभावों का जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत। हरि बोल।
ठाकुर ब्रज की बेणु, ब्रज की धेनु हम चराएंगे अर्थात गायें चराएंगे, ब्रज की बेणु अर्थात बंसी भी बजाएंगे, पर ब्रज की रेणु में क्या स्वाद है, ब्रज की मिट्टी में क्या स्वाद है, इसे भी चख लेना चाहिए। तो भगवान उसी समय ग्वाल वालों को लेकर के ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णोमृतम् भक्षितवान् इति मात्र निवेदयन्। ग्वाल वालों को साथ लेकर के ब्रह्मांड घाट पर भगवान पहुंचे। सभी की नजर बचाते हुए भगवान ने इतनी बड़ी मिट्टी का ढेला लिया और अपने मुख में रख लिया। श्री दामा ने देख लिया। श्री दामा कहवे लग गए, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया कहने लगे, नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। चल दाऊ दादा से बताओ। श्री दामा ने आकर के दाऊ भैया से कही, अरे दाऊ दादा, कन्हैया ने गजब कर दियो। कहा क्यों? बोले मिट्टी खा ले। तुरंत दाऊ भैया आए, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने सिर हिला दिया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। चल अवहाल मैया के पास चल। दाऊ दादा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, मैया के पास ले गए। अरे मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। और उसी समय मैया यशोदा ने कन्हैया को डांटते हुए कहा, ए कन्हैया, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहो बदंती तावकाइते कुमारास्ते ग्रजोप्यहम्। अरे चटोरे बंदरों के यार, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया कहने लगे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। आज कन्हैया इतने डर गए मैया के क्रोध को देख करके, इतने भयभीत हो गए। यद्यपि मैया ने क्रोध नहीं किया, क्रोध का अभिनय किया है। मैया तो सर्वाधिक स्नेह करती है गोविंद से, लेकिन आज क्रोध का अभिनय करते हुए मैया यशोदा कहवे लग गई, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहो बदंती तावकाये ते कुमारास्ते ग्रजोप्य हम। तूने मिट्टी खाई? ठीक ठीक बता। कन्हैया कहने लगे, मैया ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंसिना। ना हम, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब देखो इस श्लोक का अर्थ समझना। यहां पर जो नाहम शब्द दिया है, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। व्याकरण में नाह माने होता है ब्रह्मांड। भगवान ने मिट्टी तो खाई है, तो भगवान क्या यहां झूठ बोल रहे हैं कि हमने मिट्टी नहीं खाई? आप कहोगे कि हाँ भगवान झूठ बोल रहे हैं, मिट्टी खाई है तो भी भगवान झूठ बोल रहे हैं। आप कहोगे कि कोई बात नहीं, वो तो भगवान है, झूठ भी बोल दे सांच भी बोल दे तो वो तो भगवान है। बोले नहीं, बात ऐसी नहीं है। यहां पर जो नाहम शब्द दिया हुआ है, नाह माने ब्रह्मांड। भगवान झूठ नहीं बोल रहे, भगवान सत्य कह रहे इस बात को। बोले मैया तू मिट्टी की बात करती है, नाहम अखंडम ब्रह्मांडम, मेरे मुख में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, तू मिट्टी की बात करती है। तो यहां पर जो नाहम शब्द दिया है, नाहम अखंडम ब्रह्मांडम, ये ब्रह्मांड का उद्बोधक है। मानो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंसिना। सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है
कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म के मुख में ब्रह्मांड समाहित रहता है। मैया तू मिट्टी की बात करती है। बदंती ताव काये ते कुमारास्ते गिरजोपे हम ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना। मैया कहवे लग गई अरे कन्हैया मुको कैसे विश्वास होवेगी तेरे मुख में माटी है। कन्हैया बोले मैया एक काम कर मैं मुख खोले देता हूं तू देख ले कि मिट्टी है कि नहीं। यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम मैं मुख खोले देता हूं और तू देख ले मिट्टी है कि नहीं। मैया ने कहा हाँ या बात ठीक है लाला मुख खोल। वैष्णवी माया ने विचार किया कि भगवान के मुख में माटी और मैया के हाथ में सांटी। अब हाल माटी देखेंगी सो दो सांटी जमा देंगे। वैष्णवी माया ने क्या किया भगवान के मुख के अंदर ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर दिया। अखंड ब्रह्मांड मेरे गोविंद के मुख के अंदर समाहित हो गए। वृक्ष वनस्पति पहाड़ बड़ी बड़ी वनस्पतियां आदि सभी मेरे प्रभु के अंदर समाहित हो गए। हमारे गोविंद ने जब मुख खोला तो देखा अनेकों अनेक ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाहित हैं। मैया यशोदा ने जब देखे अरे राम 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 अरे कन्हैया तेरे मुख में तो मिट्टी के पहाड़ भरे के भरे पड़े हैं। मूर्छित होकर के मैया गिर पड़ी। कन्हैया ने उठायो अरे मैया तें बावरी है। वैष्णवी माया को आदेश दिया ब्रह्मांड मुख से गायब हो गया। मैया से कन्हैया कहवे लगे अरे मैया मैं दोबारा मुख खोले देता हूं ठीक से देख तेरी बुढ़ापन की आंखें हैं धोखो खाए गई होंगी। मैया यशोदा कहवे लगी अरे कन्हैया किम स्वप्ने तद उत देव माया किम बाम दियो बतिबुद्धि मोहा। मेरी आंखें धोखा खा गईं अथवा मेरी बुद्धि को इसी माया ने मोहित कर लिया ये मैं ठीक से नहीं पहचान पाई। कन्हैया कहवे लगे दोबारा मुख खोले देता हूं देख ले। और आज कन्हैया ने दोबारा मुख खोला ना वहां मिट्टी ना वहां पहाड़ ना वृक्ष ना वनस्पति कुछ नहीं था। मैया जल्दी से आंखें मीलती हुई बोली हाँ कन्हैया तेने सत्य कही लाला मेरी बुढ़ापन की आंखें हैं धोखो खाए गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने मृद भक्षण की लीला करी। एक दिन मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन में बड़ा परिश्रम होता है। तमाम दास दासियों के रहते हुए भी मैया यशोदा अपने हाथों से स्वयं दधि मंथन करती हैं। बड़ा परिश्रम होता है सब। रस्सी को खींचने में इतना परिश्रम होता है कि पसीना आ जाता है। एकदा गृह दासीस यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। तमाम दास दासियों के रहते हुए भी मैया यशोदा स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। और दधि मंथन करते करते तीन काम को कर रही हैं। तीन काम कौन सा यानी यानी हे गीतानी तदवाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। यानी यानी हे गीतानी तदवाल चरितानी भगवान के गीत को गा रही हैं। भगवान के बाल चरित्र का मन में स्मरण कर रही हैं और शरीर से दधि मंथन की सेवा कर रही हैं।
अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीन प्रकार की सेवा मैया यशोदा कर रही हैं। सत्संग में भी ये तीन प्रकार की सेवा होती है। जब संकीर्तन आता है तो आप तन से सेवा करते हो, ताली बजाते हो, और इसके बाद जब कथा सुनने की बारी आती है तो मन से कथा सुनते हो, और संकीर्तन बोलने की बारी जब आती है तो वाणी से संकीर्तन बोलते हो। इस सत्संग में भी तीन प्रकार की सेवा होती है। और आओ मैया यशोदा के साथ में हम सभी गोविंद की यही सेवा करें। वस्तु प्रिय नहीं है, हमको तो गोविंद प्रिय है, हमारा ब्रह्म प्रिय है। मैया यशोदा ने भी आज वही बात कही, कन्हैया सांसारिक वस्तु दूध दही मक्खन ये मुझे प्रिय नहीं है, मुझे तो मेरा कन्हैया प्रिय है। इतने में क्या हुआ कि एक दासी अंदर से दौड़ करके बाहर आई और मैया से कहवे लगे, अरे मैया चूल्हे के ऊपर तूने दूध गर्म करने के लिए रखा था, उफन करके अग्नि में जा रहा है, जो बात सुनी हो, दूध उफन करके अग्नि में जा रहा है। तुरंत मैया यशोदा ने कन्हैया को उठायो, जमीन पर पटक दियो और दूध को बचाने चली गई। कन्हैया विचार करने लगे, लो अब हाल मैया कह रही थी कि मुझे संसार की वस्तु प्रिय नहीं है, तू प्रिय है। और एक मिनट बाद देखो का स्थिति भाई, हम कहते खूब है तन मन धन सब तेरा, पर ऐसा कहते ही हैं, बाकी तो जो है तो वो सब जय सियाराम है। मैं निवेदन करूं आज मैया यशोदा, हमारे ब्रज के महानुभाव एक बहुत अच्छी और बात कहते हैं, क्या वास्तव में मैया यशोदा ने ये बात हृदय से कही थी? बोले कहा कि नहीं, हृदय से तो मैया ने ये बात कही थी, ऐसी बात नहीं है, हृदय से कही ये बात, लेकिन दूध को बचाने क्यों गई? इसमें भी एक रहस्य है। इसमें रहस्य ये है, चूल्हे पर रखा हुआ दूध अग्नि तेज के कारण यदि उफन करके अग्नि में जाता है तो हमारी संतान के लिए हानिकारक होता है,
वो कहीं ना कहीं हमारी संतान के लिए अनिष्ट कर देगा। तो मैया को ये चिंता हो गई कि देखो एक तो बुढ़ापे में संतान का मुख देखने को मिला है, और यदि इस प्रकार से दूध उफन करके अग्नि में चला गया तो हमारे बेटे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए, इसको बचाने के लिए मैया यशोदा आज कन्हैया को छोड़ करके और दूध को बचाने चली गई। तो कहीं ना कहीं मूल में तो मैया का भाव तो विशुद्ध भाव तो है ही है, कन्हैया के प्रति इतना विशुद्ध भाव, इतना विशुद्ध भाव। आप आगे चल करके दशम स्कंद में श्रवण करोगे, गोविंद जब श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके जिस समय मथुरा गए और जिस दिन से मथुरा गए उस दिन से मैया यशोदा ने भोजन पानी का परित्याग कर दिया। गोविंद की याद करते करते मैया के नेत्रों की ज्योति कम हो गई और गोविंद की याद करते करते मैया यशोदा की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। कितना अनन्य स्नेह। आज मेरे गोविंद ने एक लीला और कर दी, जितने भी माट मटका रखे थे डंडा को उठाया चट चट करके समस्त माट मटकों को एक मिनट में ही फोड़ दिया। मैया यशोदा लौट करके आई, दूध दही की कीच मची हुई है और आज मैया यशोदा ने डंडा लियो और क्रोध का अभिनय करते हुए आज कन्हैया को पकड़ना चाहा। कन्हैया भागे, आगे आगे हमारे गोविंद और पीछे पीछे मैया यशोदा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कर लो ऐसे ब्रह्म के दर्शन, जिस ब्रह्म के भय से काल भी हमेशा भयभीत रहा करता है, आज वही ब्रह्म मैया यशोदा के दुलार, मैया यशोदा के स्नेह के कारण देखो मैया यशोदा के भय से भयभीत होकर के भाग रहा है। आज ब्रज बीथियों में, ब्रज गलियों में आज कन्हैया भागते नजर आ रहे हैं। मैया यशोदा आवाज लगा रही हैं, कन्हैया रुक जाओ, कन्हैया रुक जाओ। अब मैया का बुढ़ापे का शरीर ज्यादा श्रमित हो गई तो मैया यशोदा एक जगह बैठ गई, और जैसे ही मैया यशोदा एक जगह बैठी कन्हैया कहवे लग गए मैया तू थक गई। अच्छा एक बात बता, मुंह को पकड़ वो चाहे। मैया बोलेगी कन्हैया तू पकड़ में आ जा। अच्छा मैं पकड़ में आ जाऊंगा मैया तू कहा करेगी? बोले कन्हैया मैं तेरी अच्छी तरह पूजा करूंगी, पूजा। अच्छा पूजा का नाम सुनकर के भगवान खुश हो गए, कोई तो पुजारी है। अच्छा मैया एक बात बता, पूजा और पूजन के स्थान पर पूजन की थाली हाथ में होनो चाहिए या समय ये डंडा क्यों रख रखे हो? मैया बोलेगी कन्हैया पकड़ में आ जा, मैं अच्छी तरह पूजा करूंगी, पूजा। कन्हैया कहवे लगे मैया ये डंडा को फेंक फिर पूजा कर। इसका मतलब मानो कन्हैया कहते हैं डंडा क्या है? बोले डंडा अभिमान है। अरे हम भले ही पुजारी बनना चाहते हैं पर पुजारी कब बनोगे, भगवत भक्त कब बनोगे? जब अभिमान को छोड़ दोगे। अभिमान को लेकर के यदि हम पर ब्रह्म के पीछे घूमेंगे तो ब्रह्म हमको मिलने वाला नहीं है। अरे कोई पद का अभिमान करता है, कोई प्रतिष्ठा का अभिमान करता है, कोई धन का अभिमान करता है, कोई वैभव का अभिमान करता है, कोई स्वरूप का अभिमान करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिमान तो होता ही है। कन्हैया कह रहे कि यदि अभिमान को लेकर के पकड़ोगे तो मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। तो मैया यशोदा ने डंडा फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, डंडे को छोड़ दिया मैया ने। इसके बाद में मेरे प्रभु को पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सी में बांधना चाहती हैं, महलों में ले आई, उधर में रस्सी को बांधने लगी, दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये दो अंगुल रस्सी कम का भाव क्या है? जीव परिश्रम अधिक करता है। इसके बाद में जीव जब परिश्रम में सफल नहीं होता तो भगवान कृपा करते हैं। जीव और ईश्वर के अंदर दो अंगुल का फासला क्या है? यही तो बीच में माया का पर्दा है। भगवान ने देखा मैया ज्यादा श्रमित हो गई, ज्यादा थक गई, तो भगवान ने कृपा कर दी। कृपया सीत स्वबंधने, भगवान कृपा करके बंधन में बंध गए।
और भगवान जब बंधन में बंधे तो नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। और आज लेकर के उखल से बांध दिया, भगवान ने उस उखल को घसीटा, दो वृक्षों का कल्याण कर दिया, जो कुबेर के बेटे वृक्ष के रूप में महलों के बाहर थे, यमलार्जुन वृक्ष। आज इनमें से दो महापुरुष निकले, दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नः स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। मानो आज दोनों महापुरुष कहते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा यदि हो जाए तो हमारी वाणी सदैव आपका गुणानुवाद गाती रहे, श्रवणौ कथायाम हमारे कान सदैव आपकी कथा को श्रवण करते रहे, हमारे हाथ सदैव आपकी सेवा करते रहे, हमारे पैर हमेशा तीर्थ यात्रा को जाते रहे और आपकी परिक्रमा करते रहे, हमारा मन आपका स्मरण करता रहे। स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दोनों महापुरुष स्तुति करके चले गए, भयंकर शब्द हुआ, महलों से नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, उखल में रस्सी फंसी हुई थी, नंद बाबा ने बंधन मुक्त किया गोविंद को और आज गले लगाया। नंद बाबा दुखी हो गए, ब्रजवासियों को बुलाया, भैया ब्रजवासियों अब हमने निर्णय कर लिया है कि हमको अभी यहां पर नहीं रहना, गोकुल का हमको त्याग करना है, जिस दिन से हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है उस दिन से आए दिन नहीं जाने कितने कितने संकट आ रहे हैं, पूतना सकटासुर तृणावर्त नहीं जाने कितने कितने राक्षस आए, और आज ये दोनों वृक्ष हमारे गोविंद के ऊपर गिरते गिरते बचे। अब हमने निर्णय कर लिया है कि अब हमको गोकुल में नहीं रहना, तो बाबा कहां चलोगे, कहां चलोगे? नंद बाबा कहने लगे, भैया तुम बताओ कहां चलें। नंद बाबा के एक छोटे भाई जिनका नाम उपनंद, वह कहने लगे, बाबा हमारी इच्छा है हमारे ब्रज में 12 वन हैं, वृंदावन निधिवन बेलवन तालवन मधुवन कोकिलावन बहुलावन अटलवन, इन सभी में श्रेष्ठ है वृंदावन, और श्रीधाम वृंदावन में हम लोग चले। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमः प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन में चले बाबा, वृंदावन का मतलब जहां पर वृंदा माने तुलसी, तुलसी का वन जहां पर हो उसे कहते हैं वृंदावन, अथवा वृंदा नाम है राधा का, राधा रानी की जहां पर कृपा बरसती हो वहां पर चले। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवांसेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुधम। यमुना का किनारा है, नजदीक में गिरिराज गोवर्धन है, बढ़िया निधिवन है, इसलिए बाबा वनों में श्रेष्ठ वन है वृंदावन, और भक्ति का किनारा ही तो वृंदावन है।
कितनी बढ़िया बात है। हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, बोले भक्ति के किनारे पर। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई महानुभाव भजन के माध्यम से यदि भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसे भक्ति के किनारे पर बैठना चाहिए। भक्ति का किनारा क्या है? यमुना ही तो भक्ति का किनारा है। भागवत में ये तीनों नदियों का समावेश है और तीनों को त्रिवेणी कहा है, सरस्वती, गंगा और यमुना। देखो सरस्वती के किनारे भागवत का लेखन हुआ, गंगा के किनारे इसे गाया गया और यमुना के किनारे इसे खेला गया, इसलिए त्रिवेणी का ये परम संगम भी है। तो यहाँ तो नंद बाबा अब तैयारी करने लगे वृंदावन जाने की। सभी ब्रजवासियों के मन में भाव हो गया कि भैया चलो हम वृंदावन चलें। तो सबके सब ब्रजवासी कहवे लगे, बाबा तुम ब्रजमंडल के राजा हो, तुम जहां रहोगे हम भी वहां रहेंगे। नंद बाबा बोले, भैया वृंदावन ही चलते, चलो वृंदावन चलें। सबने तैयारी करी और सबके सब ब्रजवासी आज वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आओ हम भी मन से वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में हिलोर सखी, कैसे दिखाऊं चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कुछ कैसे दिखाऊं चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी।
मेरे नैनन हो मेरे नैनन हो मेरे नैनन पर से नीर सखी गिरिराज के जी के महोत्सव में हम लोग शामिल होंगे और मस्ती के साथ झूमते हुए गिरिराज जी का पूजन करेंगे। पर इससे पहले भगवान की जो शेष लीलाएं हैं उनको अब जो है समास शैली सूत्रवत उनको जो है हम लोग कह करके और गिरिराज जी के पूजन की ओर चलते हैं। आज नंद बाबा समस्त परिकर के साथ श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर आए हैं। सगटई अर्ध चंद्रवत वृंदावन में निवास करने लगे। भगवान ने सबसे पहले ग्वाल वालों के साथ में वत्स चारण की लीला को प्रारंभ किया। गोपाष्टमी के दिन से छोटे छोटे बछड़ों को जंगल में ले जाते हैं चराने के लिए। छोटे छोटे ग्वाल वाल अपनी अपनी लकुटी को लेकर के अपने अपने डंडे को लेकर के और छोटे छोटे बछड़ों को साथ लेकर के कन्हैया के साथ वत्स चारण की लीला के लिए श्री वृंदावन की पावन धरा पर यमुना के किनारे जाते। इसी वत्स चारण की लीला में भगवान ने वत्सासुर का उद्धार कर दिया, बकासुर का उद्धार किया है, अघासुर का उद्धार किया और ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। क्योंकि भगवान ने ब्रज में इतनी बढ़िया लीला करी, इतनी बढ़िया लीला करी कि ब्रह्मा जी भी जिनकी लीला को देख करके मोहित तो हो गए। इन्होंने बछड़ों को चुराया, ग्वाल वालों को चुराया और ब्रह्मलोक ले गए। बाद में भगवान ने अपने ही अंश से बछड़े और ग्वाल वालों को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी ने एक वर्ष के बाद में भगवान की जब खबर ली तो देखा ग्वाल वाल भी हैं, बछड़े भी हैं और वही खाना पीना छीना झपटी। ब्रह्मा जी निर्णय नहीं ले सके आखिर में सत्य कौन है। सत्य ये है अथवा जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं वो सत्य है। बाद में जब ज्ञान हो गया मानो भगवान ने भी ये कह दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि करना तुम ही नहीं जानते, सृष्टि करना तुमसे अच्छी हम भी जानते हैं। ब्रह्मा जी के मोह को, ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया। ब्रह्मा जी का जब अभिमान दूर हो गया तो ब्रह्मा जी ब्रज में आए। ब्रज का मतलब ब्रज ब्रह्म की रज, जहां पर हो उसे कहते हैं ब्रज। आज ब्रह्मा जी श्रीधाम वृंदावन की धरा पर आए हैं। 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की बड़ी दिव्य भव्य स्तुति करी और भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले। नौमीढ्यते प्रभपुषे तदिडम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलपेत्र
साण बेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जा। ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हुए अथवा नहीं हुए, पर ब्रह्मा जी से एक शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, पर एक भी शब्द भगवान ब्रह्मा जी से नहीं बोले। अरे कुछ तो कहना चाहिए। ठीक है ब्रह्मा जी, हम तुम्हारे अपराध को क्षमा करते हैं, आदि आदि कुछ तो कहना चाहिए, पर भगवान एक शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान ज्यादा ही नाराज हैं, तो भगवान की स्तुति छोड़ करके ग्वाल वालों की स्तुति कर। अरे भैया ग्वाल वालों, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ग्वाल वालों की स्तुति करने लगे तो भी भगवान ब्रह्मा जी से एक शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी को लगा भगवान ज्यादा ही नाराज हैं, और जो ज्यादा नाराज हो उसके सामने से दूर हो जाओ, इसी में भलाई है। ब्रह्मा जी को लगा कि ये ज्यादा नाराज हैं, इनके सामने से अलग हो जाना चाहिए। आज हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी भगवान से वरदान मांग करके और ब्रह्मलोक के लिए गए हैं। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, भगवान से कहते हैं ब्रह्मा जी, सरकार कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। ये ब्रह्मा पद दो और को हम ही करो ब्रज ग्वाल। ये ब्रह्मा पद किसी और को दे दो, हमको जरूरत नहीं है, हमको तो आपका सखा बना लो, ये ग्वाल वाल बना लो, बस इसी में हमारा कल्याण है। तो भी भगवान नहीं बोले। ब्रह्मा जी भगवान की तीन परिक्रमा लगा करके चले गए। इत विष्टु यमानम ही त्री परिक्रम पादयो। यद्यपि ब्रह्मा जी को भगवान की कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए, चार, राम कृष्ण विष्णु की चार परिक्रमा लगती हैं, एक आचंड्या रवौ सप्ता, तो राम कृष्ण विष्णु की चार परिक्रमा लगती हैं। ब्रह्मा जी ने कितनी परिक्रमा लगाई, इत विष्णु यमानम ही त्रि परिक्रम पादयो। त्रि परिक्रम पादयो का अर्थ तीन परिक्रमा तो है ही, पर ब्रज के महानुभाव हमारे विद्युत वरेन बहुत बढ़िया अर्थ निकालते हैं। त्रि परिक्रम पादयो का अर्थ निकालते हैं, बोले ब्रह्मा जी से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती, तीन बार परिक्रमा क्यों करेंगे। अरे परिक्रमा तो उन्होंने चार ही बार करी, फिर बोले त्रिनत्वा त्रिनत्वा परिक्रम च, तीन बार प्रणाम किया, परिक्रमा तो चार ही लगाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद शरद ऋतु वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु आदि का वर्णन है, वेणु गीत का वर्णन है। भगवान ने बंसी बजाई तो इसी को गीत मान करके ब्रज गोपियों ने जो गाया, इसे भागवत में वेणु गीत कहते हैं। बरहा पीडम नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिसम पैजयंती जमाला रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान मोर पंख को धारण किए हैं, बरहा पीठम नटवर बपु नटवर भेष में, कर्णयो कर्णकारम दोनों कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं, बिप्रद वासा कनक कपिसम पीताम्बरी को धारण किए हुए हैं,
बैजंती की माला जिनके गले में है। रंध्रान वेणोर अधर सुदया, अधरोष्ट पर वेणु है और ये वेणु कोई और नहीं है, वंश्यस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही बंसी बन करके आए हैं। अर्थात राम अवतार में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम जी की इतनी बढ़िया सेवा करी, इतनी बढ़िया सेवा करी, सो राम जी को कहना पड़ा, हनुमान जी इस सेवा के बदले क्या चाहते हो? प्रतिउपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, इसके बदले तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अगला अवतार मेरा लीला पूर्ण अवतार कृष्ण के रूप में होने वाला है। राम अवतार में तुमने मेरी बढ़िया सेवा करी, तो कृष्ण अवतार में तुम बंसी बन करके आ जाना, मैं तुम्हारी खूब अच्छी तरह से सेवा करूंगा और 2400 घंटे मैं तुमको अपने साथ में रखूंगा, आपसे कभी दूर नहीं। और आओ, वेणु गीत कल भी है क्योंकि दो बार भागवत में वेणु गीत का वर्णन। इसके बाद काली नाग के ऊपर कृपा, यमुना के दूषित जल को भगवान ने पवित्र किया, इसके बाद गिरिराज बाबा का दिव्य पूजन समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के किया और तलहटी में जाकर के गिरिराज बाबा का पूजन कैसे किया और किस भाव से किया, सब ब्रजवासियों ने बड़े आनंद के साथ में। आज मैया यशोदा नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों से कहा, बाबा वर्ष भर में पूजन हम किसका करें? तो सभी ने एक स्वर में कह दिया, वर्ष भर में पूजन हम देवराज इंद्र का करते हैं, पर तुम्हारी क्या इच्छा है? सब ब्रजवासी कहने लगे, आओ हम गिरिराज बाबा की पूजन करें। सबके सब ब्रजवासी 56 प्रकार के बढ़िया व्यंजन बना करके गिरिराज बाबा की तलहटी में पहुंचे और वहां पर जाकर के गिरिराज बाबा का बढ़िया पूजन किया और बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बना करके और भोग लगाया। आओ गिरिराज बाबा का 2 मिनट में हम लोग पूजन करके और कथा को विराम करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम सहस्र शीर का भुर्गः सहस्राक्ष सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वत्सुद्वादितिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुखये भेदगुं सर्वञ्जद्भूतं यजभाव्यं मा उतामृतपुषेशानो जदन्ने नाति रोहति। बोलो गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। गिरिराज बाबा का सब ब्रजवासियों ने पूजन किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई, मानसी गंगा के जल के द्वारा सभी ब्रजवासियों ने खूब गिरिराज बाबा को स्नान कराया और हर हर गंगे करके जब बढ़िया बढ़िया स्नान कराया और इसके बाद कन्हैया स्वयं पुजारी के रूप में बने हुए हैं और एक रूप से पुजारी बने हुए हैं और दूसरे रूप से भगवान गिरिराज जी की शिखर पर विराजमान होकर के और पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। अब किसी बात की कोई कमी तो नहीं है? कन्हैया कहने लगे, किसी बात की कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है, आओ हम लोग एक बार परिक्रमा लगा लें तो पूजन पूरी हो जाएगी। आओ सभी मिलकर के गिरिराज बाबा का परिक्रमा लगाएं और आज की पावनी कथा को विराम करें। कल की पावन कथा प्रसंग में भगवान के दिव्य महाराज की चर्चा और इसके बाद भगवान की मथुरा गमन की लीला, उद्धव गोपी संवाद और रुक्मणी मंगल महोत्सव हम लोग कल के पावन कथा प्रसंग में मनाएंगे। भाव और श्रद्धा के साथ आओ गिरिराज जी की हम सभी मिलकर के परिक्रमा करें। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, रात भर वहीं पर विश्राम किया। भगवान को भी बढ़िया विश्राम करने दो और हम लोग भी विश्राम करें। कल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। कल भगवान की दिव्य महाराज की चर्चा और उद्धव गोपी संवाद, मथुरा गमन की लीला, मुख्य यजमान मंच पर आए, आरती करेंगे भाव और श्रद्धा भक्ति के साथ में। सभी आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे यहाँ से। बिना आरती और प्रसाद यहाँ से कोई ना जाए। बस 5 मिनट में ही आरती होकर के और सभी आप गिरिराज जी के प्रसाद को लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। हमारे परम सम्मानी श्री प्रताप नारायण मिश्र जी के परिवार, नाते रिश्तेदार, दूर दराज से जो भी पधारे हैं, सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। और मिश्रा परिवार की ओर से आप सभी पधारे हुए आगंतुक मेहमानों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, मंगल कामना। आरती का आनंद लेंगे। हरि ही ओम मां कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम देवरम मानार्दिगमहम गुरवे पश्चिमे वरदो भवो। हे गिरधर तेरी